गाड़ी लेके आओ, गाड़ी भी लेके आओ। फ्यूल खत्म हो गया। खत्म हो गए। गाड़ी लेके जाओ, M4 ले लो। अरे जाओ ना रश, ये तो मौत के मुंह में चल के आ गया। ऊपर बंदे दो, नो दो ओपी। Mark the location. गाड़ी है? पीछे से गाड़ी है। तो भाइयों, कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और भाई साहब, इस वाले गेम प्ले में हम एक ऐसे बंदे से मिलने वाले हैं, लिटरली उसका पेशेंस जो लेवल था ना, वो 999 प्लस था। मतलब तुम लोग यकीन नहीं कर सकते कि उसने कितना पेशेंस रहा, मतलब कितनी देर तक वो बैठा रहा सिर्फ और सिर्फ हमें मारने के लिए। तो खैर, अब सबसे पहले हम लोग उतरते हैं जॉर्जियो पूल, और सबसे पहले भाई थोड़ी बहुत बेसिक लूट तो लूटनी बनती थी। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कल वाली वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी तो एक बार देख लेना, जिसमें एक बंदा गाली वगैरह दे रहा था। बट काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई आप एक काम करो, अपना जो स्पीकर है उसे अब ऑल पे करना ही मत। तो बस गाइज, मैंने अब डिसाइड कर लिया कि आज से मैं अपना स्पीकर ऑल पे रखूंगा ही नहीं। फिलहाल अब तुम इस बंदे को देखो जो कि अभी लेफ्ट से रोटेशन दे रहा है। भाई साहब बहुत ही ज्यादा लेट, इसीलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब मैं इस बंदे को नॉक करके और फिनिश भी कर देता हूँ, क्योंकि मेरे टीममेट के पास लूट नहीं थी तो वो उससे लूट लेने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी VSS चली और ये नॉक हो गया। अब ये VSS कहाँ से चली होगी, या तो पीछे से। एंड तभी मेरे को बंदा स्पॉट हो गया, मैं इसको नॉक करता हूँ। रिवाइव करो, स्टेज पे जाओ आगे। अब मैं इसको रिवाइव करने वाला था, तभी मेरा एक और टीममेट आया था, तो मैं इसको बोलता हूँ कि भाई तुम इसको रिवाइव दे दो और मैं जा रहा हूँ इस बंदे को फिनिश करने के लिए। लेकिन जैसे मैं यहाँ आया, मुझे एक और बंदे का साउंड आया। मेरी तरफ बंदे ना इस साइड से, दूसरी तरफ से मार रहे हैं, और रास्ता नहीं करो। पीछे आ जाओ ना, पीछे आ जाओ। अभी बंदा भाग रहा राइट में, भाग रहा है, भाग रहा हूँ। फाइनली इसको भी फिनिश कर दिया। अब आप लोगों को एक चीज़ तो पता ही है यार, आजकल एक स्क्वाड को एक साथ मारना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि भाई एक बंदा लिटरली बैठा रहता है बस रिकॉल टावर पे, वो खेलता ही रिकॉल टावर पे कूदने के लिए। खैर, जैसे इनको मारा, एक बॉट का साउंड आया। मारा नहीं। अब जैसे मैं इस बॉट को मारते, तो अब टीम बता रही थी कि अभी एक स्क्वाड और बची हुई यहाँ पर, लेकिन भाई यहाँ पर एक स्क्वाड नहीं, यहाँ तो आज खिचड़ी बनी थी जॉर्जियो पूल में। तो जैसे मैं राइट की तरफ आया, आई थिंक उधर एक ही बंदा, पता नहीं कितने। ये M4 चली और मेरा एक टीममेट नॉक हो गया। अब मुझे पता था कि ये उधर कंटेनर की तरफ है, मैंने गेट की पिन खींची बट थोड़ा सा गलत हो गया, नॉक होते होते बचा। लेकिन मेरा टीममेट की हेल्थ देखो, अमन की। फाइनली इसको नॉक किया, मगर अब इसका एक बंदा इसको पीछे से कवर दे रहा था। सबसे पहले इसको फिनिश कर दिया, क्योंकि मौका था मेरे पास। बच गए आप सागर, ट्राई करूंगा। हां मैं बच गया हूं, मेरी तरफ से एक बंदा है बट वो दूर जा चुका है। अब हमारा एक टीममेट नॉक पड़ा हुआ था, तो उसको बचाना अभी हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसीलिए मैं आगे जाता हूं। लेकिन तभी भाई राइट वाला बंदा फिर से फायर करता है, फिर से इसको नॉक किया। अब इसको नॉक करने के बाद में मैं एक चीज समझ गया, अब ये वाली स्क्वाड बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है। कमजोर का मतलब है कि देखो, इस स्क्वाड के हमने दो से तीन बंदे मार दिए, अब आई थिंक एक लास्ट बचा होगा, तो जल्दी से उसको भी पकड़ते हैं। फर्स्ट एड देना मन, फर्स्ट एड। अब जैसे मैं इधर राइट में आया, सामने
तो मैंने देखा कि वो बंदा जा चुका है रिकॉल करने के लिए। भाई साहब बहुत ही ज्यादा लिटा हुआ बंदा, ये मान लो कि अगर दो तीन गोली और पड़ जाती तो बंदा जरूर मर जाता। खैर अब ये सब छोड़ो, जैसे में इस बंदे को मार रहे थे तभी भाई कुछ और बंदे आ जाते हैं जॉर्जपुर में, ना जाने कहां से। देखते देखते हमारा एक टीममेट नॉक हुआ एंड भाई फिनिश भी हो गया। यार फर्स्ट एड ही नहीं है यार, क्या गेम खेलेंगे हम। वही निशान से दो जा गए मेरे। और अब मैं तो यहां राइट में, क्योंकि टीम को सही में सपोर्ट चाहिए था। आराम से आराम से। मर गया वो, मर गया पीछे से आ रहा। अब यहाँ पर मैंने एक बंदे को नॉक किया लेकिन तभी किसी ने मेरा किल चुरा लिया। और यहाँ मेरे टीममेट भाई, अब देखो केवल हम दो बचे, मतलब एक मैं और एक सागर। लेकिन इसके बाद में अभी लेफ्ट से चलती है एक बैरल। अब ये बैरल वाला बंदा जिसकी मैंने सबसे स्टार्टिंग बात की थी, अभी देखो सर्कल देखते रहो आप लोग कितने बंदे बचे हैं। हम लोग यहाँ बहुत देर लग, तकरीबन 3-4 मिनट हम लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं और उसके बाद यहाँ जोन भी आता है। हम लोग सोचते हैं कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, तो मैंने अपने टीममेट को बोला कि भाई गाड़ी तो चाहिए होगी, और रही बात स्क्वाड उसकी वहां बंदा है। लेकिन यहाँ देखो आपने कुछ देखा अभी घास में? नहीं देखा। ये जो लेफ्ट में कंटेनर था वहाँ झाड़ियों में, दोबारा से देखना ठीक है। मैं वापस जाऊंगा अभी, मैं वापस आया। ये देखो भाई कैसे छिपके बैठा हुआ था बंदा पेड़ के अंदर। खैर कोई बात नहीं, इसकी लाइफ भी अब ज्यादा टाइम की थी नहीं, ये भी यहाँ पे फिनिश हो गया। अब इसके बाद में हमारा टीममेट आता है इस वाले रिकॉल टावर पे, क्योंकि देखो भैया वहां तो बंदे अभी भी बैठे हुए थे जोन के बाहर, जस्ट बिकॉज पता नहीं भाई साहब बंदों का ईगो हर्ट हो गया होगा, मारना चाहते होंगे। खैर जो भी है, यहाँ पर इसे जैसे रिकॉल किया तभी इसने बताया कि इसके पास भी बंदा भाई इस वाले रिकॉल टावर पे भी। थैंक्स लिटरली भाई मेरा तो भरोसा उठ गया है ऐसे प्लेयर से कि भाई ये करते क्या है यहाँ पर। खैर कोई बात नहीं, इस प्लेयर की कोई ना कोई मजबूरी होगी जो वो यहाँ होगा। अब इसके बाद में मैंने डिसाइड करा कि यहाँ भाई एक बग्गी है ब्रिज के पास में, ये उठाता हूँ और निकल लेता हूँ। लेकिन तभी फाइनली हमें पता चल गया बंदा कहाँ पर था, और भाई इसको भी हमने इजी फिनिश कर दिया। अब ये कोई बॉट नहीं था भाई, ये सही में एक असली बंदा था। खैर अब यहाँ से मेरे को बेसिक लूट मिल जाती है। अब ये लेने के बाद में हमारे पास, और हम वापस जाते हैं जॉर्ज पुल, वहाँ से भी हम लोग लूट उठाते हैं और सीधा हम लोग आते हैं पोचिंग की। अब पोचिंग की तो हमें कोई नहीं मिला। उसके बाद हमने ट्राई करा कि चलो एक बार चलते हैं स्कूल अपार्टमेंट, लेकिन हम जैसे यहाँ पर आए हमें पता चले कि भाई यहाँ पर तो पक्का बंदे, क्योंकि हमने बाहर एक दो गाड़ी खड़ी हुई देख ली थी। चलो अब जैसे आए यहाँ पर हमें बस पहले बंदों को स्पॉट करना था, और देखो पहला बंदा जैसे स्पॉट हुआ इसको नॉक किया, हमने फिनिश किया, और उसके बाद में सीधा टीम को बोला कि भाई जाके धावा बोल दो इस वाले बिल्डिंग के पास। अब यहाँ पर भाई हम इतने ग्रेनेड करते हैं तुम लोगों क्या ही बताए, लेकिन हमें पहली बात तो अभी तुम देखते रहो बस ये ग्रेनेड देखते। अब यहाँ पर हमें क्लियरली पूरी टीम को सिर्फ एक बंदे का साउंड आ रहा था, लेकिन कैंपिंग का जो लेवल होता है ना, मैं कह रहा हूँ 999 प्लस हो चुका है अब। और गाइस भाई यहाँ पर जो ही बचे हैं दो बंदे इस लेफ्ट वाले इस भाई रूम में बैठे हुए थे, लिटरली हमें कोई आइडिया नहीं था। वो तो एक यकीन मानो कि हमारे एक बंदे को साउंड आ गया और भाई इनको हमने इजी मार दिया। अब वैसे आप लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा इस बात पे, मैंने अपना नाम चेंज कर दिया है, जोनाथन से अभी रख दिया है सस्ता हैकर। तो अब ये नाम तुम लोग कैसे लगा जरूर बताना, बट
फिलहाल हम लोग यहाँ ड्रॉप के पास आ रहे थे, जैसे ड्रॉप के पास आए हमने वहाँ एक गाड़ी को देख लिया, तो हम लोग समझ गए कि यहाँ जरूर बंदे हैं। तो एक बंदा दिखा, उसको नॉक किया, और उसके बाद में अब जैसे हमने एक बंदे को नॉक किया, अब देखो वैसे ये लॉबी बहुत तगड़ी है, अगर आप सर्कल देखो और बंदे देखो तो यहाँ पर सारे रैंक पुशर हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था, अभी मेरे जो पॉइंट है वो कॉन्करर में हो चुके 5000 एस मास्टर, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा होता है। खैर अब यहाँ पर दो ही बंदे थे जिनमें से एक को मैंने मार दिया, लेकिन तभी मेरे को सामने की यूएस दिखाई देती है, तो सबसे पहले मैं स्मोक करता हूँ एक। काश अगर मेरे सामने स्मोक ना आता तो मैं बंदे को शायद नॉक भी कर देता, बट लेकिन मैंने जो स्मोक किया था वो मेरे सामने आ गया, और जिसके चलते वो बंदा मेरे को थोड़ी देर के लिए दिखा नहीं। बट अब यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा स्प्रे आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो अब तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बस ये स्प्रे देखो एंड मुझे बताओ कि भाई साहब ये आप लोग कैसा लगा। गाइस क्या कहोगे इसके बारे में। खैर अगर कोई भी चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, आपको लाइक जब करने जाओगे ना तो नीचे ही सब्सक्राइब बटन भी दिखेगा, उस पर भी क्लिक कर देना। खैर अब फिलहाल देखो अब हम तो इस नॉक बंदे को मारने के चक्कर में रह गए, लेकिन इनका जो एक टीममेट है वो यहाँ से गाड़ी लेके भाग जाता है। और अभी भी देखो मैं ये सोचा था कि वो बंदा यहाँ बैठा हुआ शैक में, लेकिन भाई यहाँ तो कोई था ही नहीं। और फाइनली अब जोन एक बार फिर से अपनी करवटें बदलने वाला था, और अब हमें जाना था नए सर्कल में, और ये यहाँ पर भाई गलत ही फाइट होने वाली थी। तो अब हम लोग आ जाते हैं जोन के हिसाब से, देखो 12 बंदे बचे हैं, 12 मेरे फिनिश हो चुके हैं, सर्कल देख रहे हो आप लोग। और हम लोग आए थे यहाँ इस वाले रिकॉल टावर पे, और हमें पता था कि यहाँ बंदे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि रिकॉल टावर पे बंदे जब रिकॉल करने आते हैं ना तो उनको शिकार करने के लिए कुछ शिकारी यहाँ बैठे रहते हैं भाई। अब मुझे पता था वहाँ बंदे हो सकते हैं, इसलिए मैंने स्मोक किया, लेकिन इसी दौरान मेरे टीममेट बताते कि हाँ वहाँ सही में बंदे हैं। खैर काफ़ी सारे लोग पता है कुछ गलत ही समझते हैं, जब मैं बोलता हूँ कि मुझे पता था, अरे मुझे पता था का मतलब है मेरा गेम सेंस है कि हाँ वहाँ बंदे हो सकते हैं। खैर मैंने यहाँ पर स्मोक किया एक और, लेकिन जब तक हम यहाँ आए वो बंदे इस घर से 9-11 हो चुके थे मेरे भाई, मतलब कि वो यहाँ थे ही नहीं, क्योंकि उनको पता था अब जब रश हो रहा है तो थ्रोबल्स भी फेंक सकते हैं हम लोग, और जो कि हमने फेंके भी थे, लेकिन वो यहाँ से भाग गए। लेकिन तभी देखो मेरे एक टीममेट पर ग्रेनेड आया, वो नॉक हुआ, तो सबसे पहले तो मैंने इसको फिनिश कर दिया। इसके बाद में मैं दूसरी तरफ जाता हूँ, मैं लगा रहा हूँ बंदे वरना आप देखो एक और आ रहा है, एंड तभी मेरा टीममेट बताता है कि वहाँ एक और बंदा है, मेड करो। अब मेरे पास थे 2 ग्रेनेड, तो मैं यहाँ पर एक ग्रेनेड में भी दोनों को मार सकता था, लेकिन मेरा जो पहला ग्रेनेड था वो मैंने कुछ ज्यादा ही आगे फेंक दिया, और जिसके चलते जो लिट बंदा था केवल वही नॉक हुआ, लेकिन अभी भी वहाँ एक बंदा था, तो इसीलिए मैंने एक और ग्रेनेड की पिन खींची। आप ये कहोगे वहाँ अभी भी एक बंदा है, आपको कैसे पता, क्योंकि भाई वहाँ स्मोक हुआ है अभी, तो बस भाई साहब इस वाले ग्रेनेड से उन दोनों की कॉपी चेक हो जाती है। अब यहाँ फाइनली वो टाइम आ चुका था कि जब मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन का शिकार हो जाता हूँ, मैंने बोला क्या वैसे, मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, आप ये समझ सकते हो। तो अब यहाँ पर बची थी पूरी एक स्क्वाड, 4v4 की फाइट थी, और ये स्क्वाड पूरी फैली हुई थी, कोई लेफ्ट में, कोई राइट में, और कोई कहीं। अब जैसे कि एक बंदा यहाँ पत्थर के पास इस बग्गी पे, और जिसको मेरे टीममेट ने अभी भी नॉक कर दिया, मैं फिर भी एक ग्रेनेड फेंक के इसकी तरफ रश करता हूँ, और तभी देखो मेरे साथ क्या होता है। इसी टीम का एक और बंदा पीछे लेटा हुआ था, और मुझे इस बात की भनक तक नहीं थी, लेकिन अभी देखते हैं मैच का रिजल्ट क्या निकलता है। तो ऑल राइट गाइस, मिल चुका है एक डिलीशियस चिकन डिनर, और भाई साहब ये मैच बहुत ज्यादा इंटेंस। अब मैं तुम लोग सोच रहे होंगे इंटेंस मतलब, मैं बताता हूँ आपको इंटेंस का मतलब पता क्या होता है, कि कोई फाइट बहुत लंबे समय तक चलती रहती है, तो मैं आप लोगों को ना ज्यादा टाइम की फाइट नहीं दिखाता हूँ, सीधा मेन फाइट पे लेके जाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं आपको दिखाऊंगा सिचुएशंस तो बहुत बोरिंग टाइप हो सकता है। लेकिन आप लोग खुद देख सकते हो यार मेरी रैंक अभी क्या चल रही है, मैं इस मास्टर 5
1000 पॉइंट्स लगभग भाई साहब। तो यहाँ कैसे बंदे मिलते होंगे ये बात आप लोग को ही पता है। तो ऑलराइट गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब अच्छी लगी है तो जल्दी से एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब अगर आपका मन है तो। बाकी अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मैं सोच रहा हूँ इंस्टाग्राम पर यार कुछ फनी रील्स वगैरह बना के डालूँ। अगर आप चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर स्टोरी मैंशन करके बताओ कि हाँ भाई आप रील्स डालो, या जो भी आप चाहते हो कि आप ये वाला कॉन्टेंट इंस्टाग्राम पर डालो तो मैं वो भी डालूंगा। मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स जी गाइज, बाय बाय।